हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप रेसिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए एक अहम क्लास, जिस क्लास में सिर्फ सवाल ही सवाल है, क्वेश्चन है। देयर आर 12 क्वेश्चंस आई टेकन फॉर यू। देखिए, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 12 सवाल प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि मैं सोचता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा सीखने से पहले उस भाषा में मतलब यूज होता हुआ कुछ सवाल पहले सीखना चाहिए, ताकि हम सवाल कर सके। सवाल करने के बाद तो जवाब मिल ही जाएगा, मतलब जवाब तो आएगा, लेकिन सवाल पहले सीखना चाहिए। सवाल करने का कोई तरीका हमको सीखना चाहिए। तो इसलिए मैं WH का कोई ऐसा कुछ वर्ड है, WH वर्ड कहा जाता है और क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, तो ऐसा हम क्वेश्चन वर्ड कुछ लेके आए हैं, जो है यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये विच मतलब कौन सी और कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सी और कौन सा, वेयर कहाँ और जहाँ जहाँ से वो आए हैं वो वहाँ भी हुई, मतलब वेयर यूज होता है, और वो कहाँ जाना चाहता है, वेयर डज यू वांट टू गो, तो ये वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो 12 सेंटेंस आप लोगों के लिए मैंने लाया है, तो ये सेंटेंस क्वेश्चन है, सवाल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सवाल करना सीखना चाहिए। और अब चाहते हैं कि हम इंग्लिश में सवाल करना सीखे, तो ये जरूर मेरा ये क्लास देखें, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप लोग आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहला सवाल यह है कि which school does your father attend, आपका पिता कौन सा स्कूल में अटेंड करता है, मतलब जाते हैं, क्या करता है वो बाद में। तो यहाँ देखिए, which school does your sister attend, आपका सिस्टर कौन सा स्कूल में अटेंड करता है, मतलब जाते हैं। यहाँ पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। अगर सिस्टर हो तो शायद पढ़ते होंगे, तो इसलिए देखिए, व्हिच स्कूल डज योर सिस्टर अटेंड, तुम्हारा बहन कौन सा स्कूल में जाते हैं, तुम्हारा बहन कौन सा स्कूल में अटेंड होते हैं, मतलब जाती है। और देखिए, व्हिच क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में हो, मतलब कौन सा, व्हाट क्लास डू यू रीड इन, और उसके बदले में हम पूछ सकते हैं कि व्हिच क्लास आर यू इन, तुम कौन सी क्लास में हो। बाद में देखिए, which is the two sisters is prettier, यहाँ sisters और यहाँ है is, ये is singular है और यहाँ sisters plural है। यहाँ is का मतलब होता है एक लड़की को, एक लड़की के बारे में पूछा है, इसलिए is हुआ है। Which is the two sisters is prettier, ये दोनों लड़कियों से मतलब दोनों बहनों से कौन ज्यादा खूबसूरत है, prettier है, दोनों बहनों से कौन सबसे अच्छी है, मतलब prettier है, खूबसूरत है, pretty मतलब खूबसूरत। Which town do you live at, यहाँ town हुआ है इसलिए यहाँ at हुआ है, अगर यहाँ सिटी होता तो यहाँ इन होता, तो ये प्रीपोजिशन का मामला है, बाद में आप सीख लीजिएगा। व्हिच टाउन डू यू लिव एट, आप कौन सी टाउन में रहते हो, तुम कौन सा जगह में रहते हो। Which of these boys is your brother, यहाँ जो बॉयस है ये प्लूरल है और इज सिंगुलर है, यहाँ एक लड़के के बारे में पूछा गया है। Which of these boys is your brother, यहाँ लड़कों के बीच में तुम्हारा भाई कौन सा है, इन लड़कों के बीच में तुम्हारा भाई कौन सा है, ये सवाल का मीनिंग है, ये लड़कों के बीच में तुम्हारा भाई कौन सा है। Which of these boys is your brother? इन लड़कों के बीच में तुम्हारा भाई कौन सा है? Which is your favorite subject? Favorite सबसे अच्छा लगा हुआ, मतलब सबसे favorite, प्रियो जिसको हम कहते हैं, प्रियो अच्छा लगने वाला,
सबसे अच्छा लगने वाला खास, इसको खास कहा जाता है, व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट मतलब तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा खास अच्छा लगने वाला सब्जेक्ट विषय कौन सा है। व्हिच इज योर नेटिव प्लेस, तुम्हारा अपना प्लेस कौन सा है, शायद किसी का विलेज होता है, किसी का टाउन होता है, जो जिस जगह में पैदा हुआ हो उसी जगह अपना नेटिव होता है। तो कोई किसी को अक्सर ये सवाल भी कर सकता है, व्हिच इज योर नेटिव प्लेस, व्हिच इज योर नेटिव लैंड, भी यहाँ लिखे तो गलत नहीं होगा, व्हिच इज योर नेटिव लैंड, तुम्हारा खास सबसे खास जगह कौन सा है, लैंड कौन सा है। Where do you live? तुम कहाँ का रहने वाले हो, ये सवाल इस तरह से भी किया जाता है, तुम कहाँ का रहने वाले हो, तुम कहाँ रहते हो, Where do you live? तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ का रहने वाले हैं, रहने वाले हैं, आप कहाँ का रहने वाले हैं और तुम कहाँ का रहने वाले हो, तुम कहाँ रहते हो, कोई भी किसी भी तरह से हम सवाल कर सकते हैं, Where do you live? तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, सबसे सटीक मतलब ये सवाल है, तुम कहाँ रहते हो। अब देखिए Where are you yesterday? कल आप कहाँ थे, आप कहाँ पर थे, मतलब कहाँ थे, आप कल कहाँ थे। Where are you yesterday? आप कहाँ थे। Where will you summer? ये सवाल मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। Where will you pass summer vacation? तुम समर वेकेशन कहाँ कटवाओगे, मतलब कहाँ रहोगे समर वेकेशन में, जो स्कूल में समर वेकेशन होता है, ग्रीष्म गर्मी के सीजन में जो बंद होता है, स्कूल छुट्टी होता है, गर्मी के छुट्टी के दिन तुम कहाँ बिताओगे, यही सवाल है। वेयर विल यू पास समर वेकेशन। वेयर इज योर पेन, तुम्हारा पेन कहाँ, यह पेन के जगह कोई भी सामान का नाम आप यूज कर सकते हैं, बैग लगेज, किताब पुस्तक, बेंच, साइकिल, मोटरसाइकिल, सब कोई भी। तो वेयर इज योर पेन, तुम्हारा पेन कहाँ है, तुम्हारा कलम कहाँ है। वेयर आर यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, Where are you come from? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो 12 सेंटेंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसके बारे में शायद मुझे लगता है आपको ये सीखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आप जल्दी जल्द सीख पाएंगे और सीख मतलब प्रैक्टिस करने से आप जरूर सीखेंगे और इंग्लिश कहने में आप बहुत ही फ्लुएंट होंगे। तो इसलिए आप फ्लुएंट होने के लिए, स्पीडली इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये सेंटेंस बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कैसे कैसे बोला जाता है, कैसे कैसे वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है। अगर आप सीखने के लिए कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो आप इंग्लिश जरूर सीखेंगे। तो मेरा दुआएं भी है आपके साथ और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम और भी अच्छे अच्छे क्लास आप लोगों के लिए हम अपलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।